पावर जो है वो पावर जो है आपका बढ़ गया है परिषद में? देखिए, एक तरह से देखिएगा तो लगातार हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। एनडीए का जो सीट है काफी हद तक घटा है और विपक्षियों का जो है वो बढ़ा है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पैनल। इस वक्त हम रावड़ी हाउस में मौजूद है जहां पर तेजस्वी यादव जो है वो अपने जीते हुए एमएलसी उम्मीदवार के साथ मीटिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी जो है वो जीते हुए जो एमएलसी हैं उनके साथ मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं। और लगभग एक घंटे से ये जो मुलाकात है वो जो है वो हो रही है और लगातार अब जो है वो पावर है जो आरजेडी का बिहार विधान परिषद में वो बढ़ गया है। और किस तरीके से देख सकते हैं कि तकरीबन किस तरीके से बिहार विधान परिषद में सरकार को घेरा जाए, इस पर भी चर्चा हुई। लेकिन ये पहली मुलाकात जीते हुए एमएलसी उम्मीदवारों के साथ एसपी यादव और माँ राबड़ी देवी के साथ ये मुलाकात हुई और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से और एक तरफ देख सकते हैं माँ राबड़ी देवी हैं, उनके बगल में एमएलसी संजय सिंह हैं और जो भी बिहार विधानसभा में आरजेडी के जो एमएलसी हैं तमाम जो हैं वो मौजूद हैं। और किस तरीके से तमाम जो है एक खुशनुमा माहौल यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बैठक में नज़र आ रहा है। और इस तरीके से देख सकते हैं कि आप तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं पहली मुलाकात। पावर जो है वो पावर जो है आपका बढ़ गया है परिषद में? देखिए, एक तरह से देखिएगा तो लगातार हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। और इस बार के चुनाव में जो मौजूदा स्थिति जो रही चुनाव के परिणाम को लेकर के, एनडीए का जो सीट है काफ़ी हद तक घटा है और विपक्षियों का जो है वो बढ़ा है। और ठीक है, एक आध दिन में मेजॉरिटी नहीं आती, लेकिन हम उस ओर बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और हमें खुशी की बात है कि अब जो है राष्ट्रीय जनता दल को नेता विरोधी दल का दर्जा भी मिलेगा और मजबूती के साथ सरकार पर हम लोग और दबाव बनाए रखेंगे, मजबूर करेंगे जनता के प्रति जवाबदेही और उत्तरदायी हो। आपके भूमाही समीकरण की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है? नहीं, हम देखिए, हम बात करते हैं सभी लोगों की, चाहे वो स्वर्ण हो, चाहे पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, हम सबों की बात करते हैं और हम लोग सबको मौका देंगे। ऐसा नहीं है, सबको साथ लेके चलेंगे ये निश्चित रूप से। अब दौर जो है, ज़माना जो है बदल चुका है और हम लोग नए सोच के हैं और नया बिहार बनाना है तो सबको साथ लेकर चलेंगे। हम सबको साथ लेकर चलेंगे ये कहते हुए तेजस्वी यादव, और देख सकते हैं कि ये